फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायर आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। दोस्तों, बच्चों की स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट होती है, कितनी ज्यादा माइल्ड होती है, इसीलिए उनकी स्किन को संजोकर रखने के लिए हम अक्सर बेबी लोशन का ही प्रयोग करते हैं और किसी अन्य चीज का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, अपनी स्किन की कदर करना मानो भूल ही जाते हैं और हमारी खूबसूरती गायब हो जाती है। आइए जानते हैं कि अगर आपको भी हमेशा खूबसूरत दिखाई देना है तो आप बेबी लोशन का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। टिप नंबर 1, अगर आप अपने चेहरे पर और अपनी बॉडी पर बेबी लोशन का प्रयोग करती हैं तो ऐसा करने से मुहासे नहीं होते हैं। बेबी लोशन के अंदर कई ऐसे कंटेंट होते हैं जो छोटे शिशुओं के चेहरे को और उनकी बॉडी को संजोने के लिए होते हैं और इसी की वजह से इनकी त्वचा के रोम छिद्र ब्लॉक नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आप बेबी लोशन से अपने चेहरे पर मसाज करती हैं तो आपकी त्वचा के रोम छिद्र भी ब्लॉक नहीं होंगे और मुहासों की समस्या कम से कम होगी। टिप नंबर 2, 20 की एज में हमें अपने चेहरे की बहुत ज्यादा कद्र करनी पड़ती है ताकि आने वाले समय में हमें समय से पहले ही बुढ़ापा ना छू सके। इसीलिए अगर आप 20 की उम्र के आसपास हैं तो भी आप बेबी लोशन जरूर लगाएं, क्योंकि ये आपकी त्वचा की देखरेख करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। टिप नंबर 3, बेबी लोशन का प्रयोग आप कर सकती हैं, लेकिन केवल चेहरे और नाजुक चीजों के लिए। मान लीजिए कि आप इसे अपनी हथेलियों पर लगा सकती हैं या फिर पैरों के तलवों पर लगा सकती हैं या फिर चेहरे पर, पूरी बॉडी पर बेबी लोशन का प्रयोग ना करें। टिप नंबर 4, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो यकीनन आप अपनी स्किन पर बहुत ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती होंगी, कभी कभी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल भी नहीं कर पाती होंगी। अगर आपके साथ ये समस्या है तो आप बेबी लोशन का इस्तेमाल कर सकती हैं। सो दोस्तों, ये है कुछ फायदे और इसके रिजल्ट्स जो बेबी लोशन से किसी को भी मिल सकते हैं, तो आप इसे ट्राई जरूर कर सकती हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।